बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार और उसके मंत्री अब लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा, बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, तब भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोगों ने अवैध तरीके से भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ की कोशिश की। ऐसे में एक के बाद एक भारत विरोधी बयान और भारत पर आरोप लगाने वाली बांग्लादेश की सरकार ने फिर एक बार बांग्लादेश की सीमा पर तैनात बीएसएफ पर एक 14 साल के बांग्लादेशी बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। आपको बताएं तो शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की कोशिशें लगातार बढ़ गई हैं, जिसे रोकने के लिए आए दिन सीमा पर झड़प देखने को मिल रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सीमा पर घुसपैठ की समस्या को अनदेखा करते हुए एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की है। सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि सीमा पर होने वाली हत्याएं बांग्लादेश और भारत के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने में बाधा बनी हुई है। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रविवार की सुबह कांतिविता सीमा पर बीएसएफ ने 14 साल के एक किशोर की हत्या कर दी है। किशोर अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और कथित तौर पर सीमा की तार वाली बाड़ को उसने काटने की कोशिश की। इसी दौरान कथित तौर पर बीएसएफ ने उसे गोली मार दी। बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन एएसके का आरोप है कि 2023 में बीएसएफ ने 31 बांग्लादेशियों को मारा है, जिसमें से 28 की गोली लगने से मौत हो गई है। इन आंकड़ों का जिक्र करते हुए हुसैन ने कहा कि ऐसी हत्याएं तब भी हुई जब भारत बांग्लादेश के रिश्तों को स्वर्णिम अध्याय बताया जा रहा था। आपको बताएं तो पिछले हफ्ते शुक्रवार को बीएसएफ ने बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर गार्ड से मांग की थी कि वो अपने देश के लोगों को अवैध तरीके से भारत आने से रोके। बीएसएफ ने कहा था कि सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो सीमा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बीएसएफ के इस मांग के बावजूद बांग्लादेश से घुसपैठ लगातार जारी है, जिसे रोकने के लिए बीएसएफ जरूरी कदम उठा रही है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने और तख्ता पलट के दौरान हुए प्रदर्शनों के वक्त भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। इन हमलों में कई बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदू मारे गए, जिसके बाद नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। यूनुस की सरकार ने अलकायदा से संबंधित इस्लामिक समूह अंसरुल्ला बांग्ला टीम यानी एबीटी के नेता जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया और अब ये आतंकी भारत विरोधी बयान दे रहा है। हाल ही में जारी किए गए एक वीडियो में जसीमुद्दीन रहमानी ने बंगाल, पंजाब और कश्मीर को भारत से अलग कर दिल्ली में इस्लामी झंडा फहराने की बात कह रहा था। ऐसे में बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान और चीन के इशारे पर चल रही है।